हमें डर लग रहा है पकड़े जाने का, मारे जाने का। शायद ही स्पेसिफिक, हाँ या ना? मैं साबित कुछ भी नहीं करना चाहता हूं। मैं सिर्फ राठौर साहब याद दिलाना चाहता हूं कि लोगों में गुस्सा बहुत है, उन्हें आजमाना बंद कर दीजिए। वी आर रेसिलेंट बाई फोर्स, नॉट माई चॉइस। समझ में आया आपको? देखिए, आपको बेबस करने में मुझे सिर्फ 4 हफ्ते लगे। आपको क्या लगता है, जो लोग हमें मारते हैं वो हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है? अरे इंटरनेट पर बम लिखकर सर्च कीजिए, आपको 352 साइट्स मिलेंगे कि बम कैसे बनाया जाता है, क्या क्या इक्विपमेंट यूज किया जाता है, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, सारे इंफॉर्मेशन मुफ्त में। आप जानते हैं कि कपड़े धोने का साबुन में भी एक पोटेंशियल बम होता है? मुझे लगता है कि कॉमन मैन के लिए आज तक इससे ज्यादा यूजफुल प्रोडक्ट नहीं बना। गलती हमारी है, हम बहुत जल्दी यूज्ड हो जाते हैं। ऐसा एक हादसा हो जाता है कि सारा माजरा हम चैनल बदल बदल कर देख लिया करते हैं। फोन किया, SMS किया, शुक्र मनाया कि हम लोग उस सिचुएशन से बच गए, और फिर वहां पर लड़ने की बजाय हम एडजस्ट करना शुरू कर देंगे। पर हमारी भी मजबूरी है ना, हमें घर चलाना होता है साहब, इसलिए हम सरकार को चुनते हैं कि वो मुल्क बनाए। आप लोग सरकार, पुलिस फोर्स, इंटेलिजेंस सक्षम है इस तरह के पेस्ट कंट्रोल के लिए, लेकिन आप लोग नहीं कर रहे हैं। आप लोग सिर्फ शेय दिए जा रहे हैं। एक आदमी गुनहगार है या नहीं इसको साबित करने के लिए आप लोगों को 10 साल लग जाते हैं। आपको नहीं लगता है कि आपकी काबिलियत पर सवाल है? ये सारा नाटक बंद होना चाहिए। This whole system is fraud. आप जैसे लोग इस तरह के कीड़े मकोड़ों का सफाया नहीं करेंगे तो हमें झाड़ू उठानी पड़ेगी। ठीक है कि उससे बैलेंस बिगड़ जा रहे, लेकिन क्या करें? राघव साहब, मुझे यकीन है कि जो ट्रेन में ब्लास्ट हुआ वो सिर्फ एक टेररिस्ट एक्टिविटीज नहीं था, वो एक बहुत बड़ा सवाल था, और वो ये सवाल था कि हम तो तुम्हें इसी तरह मारेंगे, तुम कर क्या लोगे? They asked just this question on Friday and repeatedly in Tuesday, and I am just replying on Wednesday. ये जो तुम्हारी नमक मिर्च मिला के टेस्ट लाने वाली फ्लासी है ना, ये नहीं चलेगी। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मैं आज तरीके के बारे में नहीं, नतीजे के बारे में सोच रहा हूँ।